हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो भी नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है मेरी पढ़ाई, देखिए चावल में जो धान मिक्स है उसी को साफ़ कर रही हूँ मैं। तो अभी थोड़ा खाली टाइम था मेरे पास, इसी वजह से साफ़ कर दे रही हूँ। क्या सब्जी बनाऊँगी बता नहीं, सब्जी का मुझे बहुत टेंशन रहता है क्या सब्जी बनाए। मेरे हस्बैंड ना बहुत सारी सब्जी नहीं खाते हैं, इसी वजह से सोचना पड़ता है सब्जी के बारे में। वरना तो मैं सोयाबीन बड़ी बनाने वाली थी, तो वो तो नहीं खाते हैं, और उड़द वाला बड़ी भी नहीं खाते हैं, तो बड़ी वड़ी नहीं खाते हैं, इसीलिए अंडा ले आते हैं कैरेट में, ताकि जो सब्जी उसको पसंद नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते हैं, तो मैं बना देती हूँ अंडा फटाफट से, ऑमलेट बना देती हूँ। चावल को छाटने के बाद नहाने जाऊंगी, अभी नहाया नहीं है मैंने, अभी लाइट भी नहीं है, अभी पंखा ना इन्वर्टर से चल रहे हम लोगों का। लाइट आ रहा है जा रहा है ऐसे करता है। गर्मी के मौसम जब भी आता है ना, डालवा फसल होता है यहाँ पे, तो गर्मी के मौसम में ना लाइट आता जाता रहता है। डालवा फसल ना बहुत मुश्किल से हो पाता है, और इस सीज़न में मतलब गर्मी सीज़न में मेरे हस्बैंड का काम भी ना बहुत चलता है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला जाता है, तो ट्यूबवेल को पाइप उतारते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा उनका मांग है, और लाइट के आने जाने की वजह से भी मेरा ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है, तो ट्यूबवेल मिस्त्री हैं तो बुलाते हैं तो ये हमारे कमाई का सीज़न है, तो जितना भी मतलब का कर्जा हो रखा है इस सीज़न में ना कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी इलाज भी बाकी है मेरी सूची का। किसी ने ना मुझे बोला था कि मैडम आप धीरे बोला कीजिए, स्पीड हो जाता है आपका बोलना, तो मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी आदत है ऐसे बोलने की, मतलब मैं स्पीड ही बोलती हूँ, इस घर में भी स्पीड ही बोलती हूँ मैं, तो जैसी हूँ मैं वैसी आप बोलते हैं मुझे। देखिए मैं सब्जी के लिए मसाला पीस रही हूँ, लहसुन है, मिर्च और धनिया और ये जीरा। और ना देवल बाजार से कटहल ले आए हैं, मैं सोयाबीन की बड़ी बनाने वाली थी, लेकिन कटहल ले आए हैं, तो कटहल सब्जी मसाला पीस रही हूँ, थोड़ा सा प्याज भी है डाल दूँगी, प्याज डालने से ना ग्रेवी अच्छा बड़ा बनता है। चलिए इसको बेच लेते हैं पहले। लाइट अभी भी आई है, पानी में रबड़ रहे हैं, मसाला पीस के नहाने जाऊँ, पहले मसाला पीस आज मेरे हस्बैंड ने पास अगले गांव में गए हैं काम करने के लिए, तो आ जाऊंगा बोले हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा मुझे, तो बाहर खा के ही आते हैं, जब वो काम पर जाते हैं ना तो खाना वहाँ खा के आते हैं, तो पास वाले गांव गए हैं तो काम ख़त्म हो जाएगा, तो आऊंगा बोले हैं, आऊंगा बोल देते हैं, फिर भी नहीं आते ना खाना बनाते हो ना, तो गुस्सा लगता है मुझे। हमारे यहाँ कोई बासी नहीं खाता है, बचा हुआ चावल नहीं खाते तो फेंकना पड़ जाता है। तो फ्रेंड मसाला को चलिए पीस लेते हैं पहले, मसाला को थोड़ा मतलब ज़्यादा पीसना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें ना मैं धनिया जो गोटा धनिया होता है उसको भी रख दी हूँ, मिला दी हूँ, मतलब हम लोग ना जीरा वाला मसाला पीसते हैं, लेकिन इसमें मैं धनिया रखाया था, देखी तो थोड़ा धनिया भी डाल दी हूँ, और ये जो सिलबट्टे हैं ना वो उसमें ना मसाला अच्छे से पीसते बनता है, क्योंकि पहले चिकना हो गया था, मैं सोचे ना इसमें जो टाँका है देखिए खुदरा कर दिए हैं इसको, टाँक के इसे टाँकना बोलते हैं हम लोग, देखिए कितना स्पीड में मेरा जो मसाला है पिसा गया है, सब इससे ना अच्छा पिसता है। और देखिए मैं यहाँ के आ गई हूँ यहीं पर, मैं बना रही हूँ चावल को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी फुर्सत नहीं हुआ है, स्विच नहीं ला पाई है और लगा नहीं पाए हैं, और तो बाहर ही खाना बना रही हूँ मैं, जब उनको फुर्सत होगी तो वो ज़रूर लेके आएंगी, और हमारा जो उसना धान को वाले हैं चावल निकालेंगे तो उसको भी कुटवाने के लिए लेके जाएंगे जब उनको फुर्सत होगा तब। और देखिए मेरे देवर जी ना इसको कटहल खरीद के लाए थे बाज़ार से, आधा के जी है ये, और ये कटहल ना छिला वाला कटा बाज़ार से ऐसे मतलब खरीद के लाए थे, पूरा तैयार किया हुआ है, तो इसको ना मैं तेल में तल दूंगी,
वही कोई उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं ना नहीं उबालूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, और बर्तन ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उबालने से, और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, तो इसको तल लूँगी मैं। तल के बनाने से ना ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और हम लोग तो बस 4 ही जने हैं, तो आधा केजी हमारे लिए काफ़ी है। तो पहले इसको तल लूँगी अच्छे से, तेल में मतलब सुनहरा होते तक तलूँगी। और ये ना एकदम मुलायम वाला है, और इस साल का ना ये मतलब इस सीज़न का हमारा पहला आज कटहल की सब्ज़ी बनेगी। और डेली डेली मतलब बाज़ार तो जाते हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा लाना ले जाना होगा। देखिए मेरा जो कटहल है वो भुना चुका है, बस इतना भूनूंगी मैं, तो उसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। मसाला तो मैंने पहले पीस लिया है, और आज ना लाइट का वेट करते करते मैं थक गई थी, इसी वजह से ना तालाब चले गए थे नहाने के लिए, कितना वेट करूँगी बोली। देखिए इसको निकाल दे रही हूँ मैं, लाइट बहुत ही ज़्यादा नखरा कर रहा है, टिकता ही नहीं है, आता है जाता है, ना देर होगी ना नल में तो चला जाएगा, तो फिर परेशानी होती है, इसी वजह से तालाब चले गए थे मैं। और उसी कढ़ाई में तेज में निकाल लिया था मैंने, जितना चाहिए उतना रख के ना मैं मसाला को डाल देती हूँ उसमें, और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसमें थोड़ा सा टमाटर मुझे डालना है, तो चलिए टमाटर डाल देते हैं। देखिए मसाला जो है वो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मसाला को अच्छे से भून लेंगे पहले, जब तक तेल न छोड़े तब तक भूनना है। तेज में तो पानी डालूंगी, देखिए पानी भी डाल दिया है मैंने, और ये गर्म पानी डालती हूँ, रिश्ते में थोड़ा गर्म करके रखी रहती हूँ, उसी को डाली हूँ, और कटहल को डाल दूंगी अभी। और थोड़ा सा गर्म मसाला डालूंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस उतना ही डालना है। और देखिए मेरा सब्जी जो है उबल रहा है, जब तली थी ना तो पक गया था, तो ये तो तैयार है। देखिए अभी ना मैं सूजी के लिए खाना निकाल दे रही हूँ, ससुर जी नहा के आ चुके हैं और खाना खाने के लिए बैठ गए थे, उन्हें के लिए निकाल रही हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम टेस्टी चिकन जैसे लगता है, बोलते हैं मेरे देवर जी, और बहुत खाते हैं, उनको पसंदीदा सब्जी है ये। तो मैं ससुर जी को खाना दे रही हूँ मैं, देखिए वहीं पर बैठ के खाना खा रहे हैं। और आज की वीडियो को नहीं प्रेरण करेंगे, जो भी नए हैं चैनल पे ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।